प्रभु जी, जब भाग्य की बात आती है ना, तो एक खास तौर पे एक चीज देखी गई, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी था, जब शादी की बात आती है तो आजकल देखा गया है कि लोग एक उम्र के बाद ही शादी करते हैं, खासतौर पे 30 से ज्यादा जो है उम्र के लोग बहुत सारे हैं, और एक सवाल आता है कि हमें पसंद का इंसान नहीं मिल रहा है और उसमें कुछ कमी है, उसके में कुछ कमी है, लोगों के डिमांड्स काफ़ी बढ़ गए हैं चीज़ों को लेकर, और इसीलिए वो फिर लाइफ लॉन्ग जो है अकेले रहते हैं और दे देते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था। तो क्या इस सिचुएशन में भी उनकी किस्मत में नहीं था या उनकी करने का फल? देखिए जी, मैंने जैसे आपने जो कहा था स्टेटमेंट शुरू में, जो मैंने लिखा हुआ है कि भाग्य को जियो मत, भाग्य को बदलो। भाग्य को बदलने का मतलब क्या है? क्या भाग्य बदलना चाहते हैं आप? भाग्य की उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जो बेसिकली आपके आपको पसंद नहीं आती। अगर रियलिटी में देखें, जरूरी है हित तो हम किसको मानते हैं, जो इच्छा पूरी हो जाए। तो यदि आप उसमें जाएंगे समझने के लिए, तो भाग्य कैसे बदल गया अगर आपको फल इफेक्ट ही नहीं कर रहा? अब रिलेशनशिप है, बिल्कुल क्लियर मेंशनड है कि इससे शादी होनी है, उसी से होगी, उसी से होगी। परंतु मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी रिलेशनशिप में अगर दोनों के गोल अलग हैं तो फिर तो आपस में टकराव तो होगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो मैं कई बार कहता हूं, सीता तो चाह रहे हैं कि सीता जैसी पत्नी हो, तो आप राम हैं क्या? ऐसे ही कई बोलते हैं कि सीता जैसी पत्नी मिलनी चाहिए, आप राम हो या सीता कहीं होती है, माताएं बोलती हैं हमें राम जैसा पति मिले, तो आप सीता हैं। बेसिक फैक्ट यह है। तो इसलिए इस बात को भी समझिए कि आज कलयुग में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और उसका एक ही कारण है, जो आप लोग अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमारे सब के डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट हैं, और इंटरेस्ट भी इतने डाइवर्सिफाइड हैं कि वो दो लोग साथ रह ही नहीं पाते, तो वो ढूंढता रहता है कि मेरे हिसाब से चलने वाला मिले, चाहे वो माता हो, लेडी हो या जेंट हो, दोनों क्या चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चले। कृष्णा को सेंटर में रखिए, फिर अपने हिसाब से चलिए, देखिए सब अलाइन रहेगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई तंटा नहीं, कुछ नहीं, बड़े आराम से जीवन निकल जाएगा। मतलब अलाइनमेंट होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए विद द फोकस कि जीवन में चाहते क्या है। आज से 40 साल बाद जब आप 70 साल के होंगे, 65 साल के, 70 साल के होंगे, तब आप अपने आप को कहाँ चाहते हो? दोनों का वो मैच करना चाहिए, दोनों का तो क्या होगा, वो उसके लिए वर्क करेंगे, और वो मैच एक ही केस में हो सकता है, और वो है कि आपका जो असलियत है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, एंड यू ऑल, एवरी वन ऑफ यू इज़ ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, एक आध्यात्मिक यात्रा पे हो सब। शरीर की यात्रा तो हर टाइम शमशान पे ख़त्म हो जाती है, परंतु आत्मा की यात्रा नहीं ख़त्म होती। तो इसीलिए आप भला करोगे शरीर का, तो शरीर का ही रिजल्ट मिलेगा, शरीर पर ही, वो टेम्प्ररी होगा। आत्मा के लिए अगर कुछ करोगे अपने, तो वो आपके साथ था, है और रहेगा, क्योंकि आत्मा सनातन है, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए रिलेशनशिप के अंदर, किसी भी रिलेशनशिप में आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी।